अच्छा एक्सपीरियंस था और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट बार शूटिंग कर रही हूँ क्योंकि इतना कंफर्टेबल था. इट फेल्ट लाइक होम एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई हैड सच अ गुड को एक्टर, सच अ सपोर्टिव को एक्टर मृदुल, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक म्यूज़िक वीडियो शूट कर रही हूँ एंड मेरी मम्मा ने मुझे बहुत हेल्प किया एंड ऑल्सो आकांक्षा दी एंड शुभ मैम सब ने मुझे और पापा ने भी सब ने मुझे बहुत हेल्प किया. और हाँ, क्या क्या वैसे तो करते रहते हैं लेकिन टाइम काफ़ी कम मिलता है क्योंकि बिजी शेड्यूल है उनका. बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आगे जाके वो मुझे और ऐसे सिखाते रहे हैं. फिलहाल तो मैं 12th में हूँ, मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं और बोर्ड स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ये शूट किया और अभी भी चल ही रहे हैं बोर्ड्स. 12th आर्ट्स में हूँ. मुझे बॉलीवुड में ही आना है और हॉलीवुड में तो हाँ अगर हो जाए तो बहुत ही, बट हाँ ऑस्कर पे एम है फिलहाल तो. ऑस्कर है मेरे पास. पापा मुझे सिखाते रहेंगे और मैं करती रहूँगी ऐसे पापा की सीखने. टाइटल है इसके बारे में. हाँ हाँ, आई विल ऑलवेज लव यू. सो इसमें वो आप देख, वो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी, आप वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन ये एक छोटी सी लव स्टोरी है मेरे और मृदुल के बीच. नाम सेम बताए. हर पेरेंट्स का सपना होता है कि जो पेरेंट्स ने अचीव किया है बच्चे उसके आगे जाएं, काफ़ी आगे जाएं. तो मैं खुश हूँ कि गीति इस उम्र में यहाँ पहुँची है और उसको ये पहला ब्रेक मिला है. आई वुड जस्ट थैंक फॉर दिस इज़ आकांक्षा एंड माइकल जी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम थोड़े दुविधा में थे. 12th है, उसका एग्ज़ाम भी है तो कैसे करेंगे, लेकिन द वे इट वर्कड ऑन, वी आर सो हैप्पी. आकांक्षा कन्विंस अस एंड रोहित जी भी बड़े खुश हैं क्योंकि इनको खुश करना बहुत मुश्किल है. दुनिया को मैं खुश करती हूँ लेकिन इनको खुश करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा. सो आई एम हैप्पी. और ये इन्होंने, अगर आपको पता होगा तो दोनों बच्चों ने एक दिन में शूट किया है, करीबन 12:30 को शुरू करके दोपहर को सुबह 4:30 तक शूट किया है. तो इनका हार्ड वर्क देख के हमें लग रहा है कि ये बच्चे डेफिनेटली अपने दिल में एकदम मार्क इन्वॉल्व. हैप्पी. और इसमें एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि गीति का छोटा जो बच्चे बचपन का रोल है ना, उसकी बहन ने प्ले किया है. ये संजीती, संजीती ने प्ले किया है और नाम रिटेन किया है मृदुल और गीति. तो बेस्ट थी. बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब सपना पूरा हो रहा हो. क्योंकि बम्बई हम छोटे शहर वालों के लिए एक बड़ा ऐसा लगता है जैसे कि माया नगरी है, और वाकई माया नगरी है. क्योंकि यहाँ आकर वो व्यक्ति मिला जिसे मैंने कभी ना जाना था ना देखा था, वो मेरी पत्नी हो गई और उससे मेरे दो बच्चे हो गए. ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं. और ये जो हुआ ये भी चमत्कार है. तो पता नहीं ये क्या है, आई डोंट नो. हाँ, मैंने काफ़ी गाइड किया उसे और मैं हमेशा से ये चाहूँगा कि वो अपनी स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करे. क्योंकि अगर आप स्किलफुल है, जैसे आप हैं, VIP साहब हैं, आप देश विदेश में लोगों को हंसाते हैं अपने स्किल्स से, तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि एक्टर के अंदर स्किल्स डेवलप हो ताकि सामने वाला आदमी जो देखे वो ये कहे कि वाह, हाँ यार ये है, कोई कमी ना रह जाए. ये मैंने उसे हमेशा समझाया. जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर डांसिंग स्किल्स नहीं है तो मैं उसको बड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो पता नहीं कौन सा कोई सुरताल की नॉलेज शायद बचपन से होती होगी या क्या. तो मैं उसको ये कहता हूँ कि
और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करे। वो कहती नहीं मैं तो भारत में रहती हूँ, मैं तो कुछ भी है, अब हम हैं, हम कहीं ना कहीं आई मी वी आवर अस में फंस जाते हैं कई बार, तो बड़ी अजीब सी बेइज्जती होती है। तो मैंने सोचा है कि मैं उसको वो बनाऊँ जो मैं नहीं हूँ, जैसे अंग्रेज़ी में काबिल, डांस में काबिल, एक्टिंग में काबिल, एक्शन में काबिल, हर चीज़ में लोग कहें कि वाह नहीं ये करेक्ट है, ये नहीं कि रोहित जी थोड़ा सा आपका नाम हो गया तो हम इसको भी थोड़ा सा आरा दे दें, नो। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं इनसे? अरे आप ही, मैं तो आप ही सर, आज पिता का दिवस है। नहीं, शुरू में क्या होता था, आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड था ये सलमान खान साहब से शुरू हुआ, शरीर का पहले फिट रहने की नो डाउट एक परंपरा थी, लेकिन हमने इतना ध्यान दिया नहीं जितना आजकल के लड़के देते हैं, ये कमी मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत देर में चीज़ें पकड़ी, लेकिन भरपूर पकड़ी है, ऐसी बात नहीं। सर वो बहुत ज़रूरी होता है, जब हम कहीं जाते हैं कुछ जगह हम फंस जाते हैं, कुछ चीज़ें होती है कि आपको ये रोल दिया गया है तो आप उसे कैसे निभाएंगे, तब वो सारी चीज़ें काम आती हैं हमें कि भाई मैंने ये भी सीखा है, वो भी सीखा है, मैंने इसकी भी आवाज़ सीखी, इसकी भी एक्टिंग सीखी, ये करेक्टर सीखा मैंने, तो वो सारे करेक्टर वहाँ काम आते हैं जब आपको जब पर्दे पर डायरेक्टर बोलता है कि आपको ये करना है, और वो चीज़ें बहुत साथ देती हैं, तो वही स्केल बनता है बातें कर करके। जी सबसे बड़ा राज ये है कि आज के दौर में लोग कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रेजिक और बहुत ज़्यादा इसी टेंशन वाली चीज़ों से लोग दूर भागते हैं, तो उसमें एक तरह का कॉमेडी का जादू है जो इत्तेफाकन चल गया, और वो उसका एक नॉटी सब्जेक्ट है, आपने देखा होगा, और नॉटीनेस लोगों को हमेशा पसंद आती है, जैसे दूसरे की बीवी, मतलब उसका ये विषय है कि वो मेरी बीवी को, मैं उनकी बीवी को, तो उसमें एक अलग से नॉटीनेस है जो लेखन में भी है और अभिनय में भी है, तो वो नॉटीनेस लोगों को अट्रैक्ट करती है, हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी चीज़ें लोगों को फैसिनेट करती है, जैसे ये अगर कुछ अतरंगी नहीं करेंगे तो कहेंगे यार ये तो सीधा सीधा हो गया, तो कुछ ना कुछ घुमावदार रास्ते ज़रूरी हैं, और वही चीज़ शायद सक्सेसफुल होती है मेरे ख्याल से। है बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं बिल्कुल सही विनर है वो, सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ, उसने बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी है, बहुत दिमाग से लड़ाई लड़ी है। नहीं वो नेचुरली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा एक्टर है, और उन्होंने जैसे वो है ना वैसे नेचुरली वो बिग बॉस में रहे। इवन जब वो लड़ रहा था वो ऐसा नहीं लड़ रहा था कि वो स्क्रिप्टेड लड़ रहा है, वो तो भाई कई बार ऐसा लगता है कि यार ये कहा गया इसलिए शायद ऐसा कर रहे हैं, वो गेम खेल रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिमाग से चल रहा है। उन्होंने तो शो में बोला भी है ना कि मैं 1 2 3 4 5 6 12 मैं किसी का कुछ नहीं, बोला भूल गया था कि भाई मैं अपने गेम खेलने आया हूँ, मतलब रफ एंड टफ थे वो, गुड अच्छे विनर जी। थैंक यू सर। सर अगर आप अपनी स्पीडल की भाषा में कहना चाहोगे भाभी जी को इसके बारे में कैसे बोलोगे? पगली बहुत सही पकड़े हैं। ये सॉन्ग के बारे में आप बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? यही कहूंगा कि एक बेहतरीन कैची सॉन्ग है। नहीं, आपकी उसी भाषा में के ये गाना है, देख ये देख तू। आप बोल दीजिए, ये मेरी सुन ली। इनका जो एक तिवारी वाला करेक्टर है, अरे पगली, अरे गाना सुनो बहुत बढ़िया, हमारी बिटिया काम की है। तो बिल्कुल, और मैं भाई को दिल से दुआ देता हूँ कि इनकी डॉटर लॉन्च हुई है, भाई खूब तरक्की करे, ऊपर वाला उनको बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचाए, यही दिल से दुआ है मेरी। और एक पिता के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा गर्व होता है कि जब उनकी डॉटर या उनका बेटा जब लॉन्च होता है तो पूरी मेहनत होती, रात की नींदें खराब हो गई, मैं समझ सकता हूँ भाई। कितनी धक धक हो रही है आपको, लेकिन गॉड ब्लेस यू, सभी सब अपने दोस्त हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, सब ने दिल से दुआ दी, मैं भी देता हूँ,
और लोग भी देंगे, सब आपको बहुत प्यार करते हैं सर। थैंक यू सर, लव यू सर। गिट्टी भी ना इनकी तरह बहुत टैलेंटेड है। ओहो, क्या बात है। आप दोनों टैलेंटेड फैमिली हैं। अरे वाह, फैमिली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाती है, मैंने सुना है। सर अगर शाहरुख खान के लिए कुछ तीन चार आर्टिस्ट जो है गाने के बारे में तारीफ करें, खास करके अपने प्रधानमंत्री। ओके, सबसे पहले गीती गौर को यही कहूंगा कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं और सिर्फ गीती और प्रकाश राज भी मेरे पास। हाँ माँ जी सड़क ले, अरे जब से भाई की बेटी आई है माँ कसम, अरे अरे मार्केट में हंगामा मच गया, आली रे आली गीती गौर की बारी आ गई। पीएम साहब, अरे वेरी गुड, मेरा सौभाग्य अगर पीएम जी अगर आपकी डॉटर के बारे में कुछ कहे। उनके दो अंदाज है, एक तो लाउडली बोलते हैं, एक ये बहुत धीमा बोलते हैं, जो मन की बात में बोलते हैं। भाइयों बहनों, मन की बात में मैं गीती गौर को यही कहूँगा कि आप मेहनत करें, पिता का नाम रोशन करें। अब जब लोगों को सुनाना है, लोगों दूर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप सभी को गीती गौर के लिए आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या उसके लिए दिल से दुआ देनी चाहिए? देनी चाहिए, देनी चाहिए भाइयों बहनों, क्योंकि वो भरता टैलेंट है, भारत को आगे लेके जाएगा। अमित शाह भी है। देखिए, ये रोहिता जी की बेटी है, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि वो इस फील्ड में आएगी और तहलका मचाएगी, ये मेरा वादा है। गाना गा बिल्कुल दुआ से। थैंक यू।